स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसमें हम जंतु जगत के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। जो क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है, ये किस प्रकार से किया गया है, किसने किया है, कब किया है, सबसे पहले उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। फिर वर्गीकरण में कितने टाइप्स यानी कि कितने प्रकार के जीव जो है वो होते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और मेनली आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो जंतु जगत है यानी कि एनिमल किंगडम है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो मेरा नाम है पंकज राठौर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पीएससी अड्डा में। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जंतु जगत के जिस वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्लासिफिकेशन हमने देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ। और जब हम जंतु जगत में पहुंचेंगे तो सबसे पहले मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी हैं, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं और इस कंडीशंस के आधार पर इनको किस प्रकार से बाकी के जो जीव हैं उनसे अलग रखा गया है, इस कैटेगरी में कौन कौन से जीव आते हैं और वो किस प्रकार से कौन कौन सी जगह पर रहते हैं, जैसे कि कुछ उड़ने वाले जीव भी इसमें आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ तैरने वाले जीव भी इसमें आ जाते हैं, बाकी स्थल पर रहने वाले जीव इसमें आते हैं, तो इसकी कंडीशंस क्या होती है, इनका ब्लड किस टाइप का होता है, इनमें जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, किस प्रकार से होता है, ये इन्फॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, यानी कि जो सरीसृप वर्ग है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एव्स यानी कि जो पक्षी वर्ग है उसके बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे हम एम्फीबियंस के बारे में, यानी कि जो उभयचर वर्ग है उसके बारे में। इसके बाद भी आज के चैप्टर में हम मत्स्य वर्ग के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो अकशेरुकी जीव है जैसे कि पोरिफेरा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा आदि, इनके बारे में भी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो बिल्कुल न छोड़े अंत तक, एक एक पॉइंट पर वीडियो में जो है आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जो क्लास है एमबीपीएससी मेंस का जो पेपर 3rd है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। उसके अलावा जो 7th यूनिट है या 7वीं यूनिट है प्री के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जितनी भी एग्जाम जिसमें साइंस या बायोलॉजी पूछी जाती है सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और मेनली इसको डेडिकेट करके बनाया गया है एमपीपीएससी पेपर 3rd के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको क्या किसने, सबसे पहले यही देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिनियस या कैरोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने 1735 में एक पुस्तक लिखी। 1735 में कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी या इस पुस्तक में इसने क्या किया कि 4236 जो ज्ञात जातियां थी जंतुओं की उसको वर्गीकृत किया। उसमें प्राणी जातियों के नामकरण है तो इसमें द्विनाम पद्धति या बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है विकास किया, या द्विनाम पद्धति जो है उसको इसने क्या किया, विकसित किया। अब ये जो कैरोलस लिनियस से इसने 1735 बहुत सारी पुस्तकों में आपको इसमें जो है डिफरेंस मिलेगा, जैसे कहीं पर 1753 भी मिल सकता है या कहीं पर 1773 भी मिल सकता है, तो ये एग्जैक्ट डेटा जो है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो 1735 भी सही है, 53 भी सही है और 73 भी सही माना जाएगा। जो आप लिख सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर सही मानी जाएगी। तो जो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक लिखी गई है कैरोलस लिनियस के अकॉर्डिंग, उसमें जो सभी प्राणी हैं उनको वैज्ञानिक नाम दिया गया है द्विनाम पद्धति के आधार पर। तो किस प्रकार से, तो सबसे पहले उसमें उस प्राणी के वंश का नाम, फिर उस प्राणी के जाति का नाम, दोनों जब मिला दिया जाता है तो उसका वैज्ञानिक नाम बनता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आम है, तो आम जो है एक प्रजाति है फलों की, तो इसका वंश क्या है, इसकी जाति क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका रखा गया है, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार से सभी जीवों के, सभी फलों के, सभी जो जीवित पदार्थ हैं सबके क्या कहे गए हैं, वैज्ञानिक नाम की शुरुआत की गई है। और ये कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण था उसके अंतर्गत किया गया, जो सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक थी उसमें किया गया है। उसके बाद
जो हैकल है उसने जो प्राणी है उनको तीन भागों में वर्गीकृत किया। तो तीन भाग जो है वो कौन कौन से थी, तो उसमें सबसे पहले उसने बताया प्रोटेस्टा के बारे में, उसके बाद उसने बताया कि जो दूसरा जगत है वो है जंतु जगत, और तीसरा जगत उसने बताया कि पादप। तो प्रोटेस्टा क्या है कि एक कोशिकी जीव को उसने प्रोटेस्टा के अंतर्गत रखा, जंतु के अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा, और पादप के अंतर्गत सारे जो है प्लांट्स उसको रखा। पर 1969 में 1969 में आधुनिक वर्गीकरण किया गया सारी चीजों का या सारे जंतुओं का, और वो पांच पार्ट में किया गया। तो उसमें पांच पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं, तो सबसे पहले मोनेरा, फिर दूसरा पार्ट होता है प्रोटेस्टा, और ये दोनों जो पार्ट होते हैं इनको एक कोशिकी जीव जो है इस श्रेणी में आते हैं। एक कोशिकी जीव जो कुछ मात्रा में कोशिका विभाजन कर लेते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, और जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बाकी तीन जो पार्ट हैं जंतु जगत, कवक जगत और पादप जगत, ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो टोटल पांच भागों में जो किंगडम्स हैं या फाइव किंगडम्स हैं उसका वर्गीकरण किया गया है 1969 में। ये जो है आधुनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो हम आधुनिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो है जंतु जगत के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आगे देखें तो इसी कारण से कैरोलस लिनियस जो है इसको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, या आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है उसका फादर किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि रेलवे वगैरह एग्जाम में या प्री में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए भी एक उपयोगी डेटा हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले जंतु जगत जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो जंतु जगत हम देख रहे हैं कि पांच पार्ट एनिमल किंगडम के बांटे गए हैं, उसमें से अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है कशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और एक पार्ट होता है अकशेरुकी। तो जो अकशेरुकी पार्ट होता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जो कशेरुकी है उसके अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं जो एक ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, अधिक चल सकते हैं, जो ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से जीव इसके कैटेगरीज में आते हैं, तो इसको भी अलग अलग प्रकार से हमने बांटा है, जैसे कि स्तनधारी, एम्फीबियंस, उभयचर, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, और ये जो हैं, या सरीसृप वर्ग, ये सारे जो हैं कशेरुकी जंतु जगत के पार्ट हैं। अकशेरुकी में जैसे कि आर्थ्रोपोडा, जो कम से कम मूवमेंट कर सकते हैं और जिनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो इसमें कौन कौन है, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा, मोलस्का, है ना, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इकाइनोडर्मा वगैरह जो है ये सारे अकशेरुकी जीवों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले कशेरुकी जीवों के बारे में जंतु जगत में, और सबसे पहला जो है अपना टॉपिक वो है स्तनधारी मैमल्स के बारे में। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इस वर्ग के जो जंतु हैं वो उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। एक तो उनका टेम्परेचर किसका, बॉडी का, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है या तो उच्च होता है या नियत ताप पर होता है, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य आवरण के तापमान परिवर्तन के साथ साथ नहीं बदलता। लाइक दैट, जैसे कि हम भी स्तनधारी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इंसान या मानव जो है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो परमानेंटली यही रहता है, या इसको फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 फॉरेनहाइट जो है बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो यह फिक्स रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, या बारिश का मौसम हो, या आप जो है नॉर्थ पोल पे चले जाएं, या आप विषुवत रेखा पर चले आएं, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बाह्य आवरण का या बाह्य जो वातावरण है उसका कोई भी इफेक्ट बॉडी की टेम्परेचर पर इनके नहीं होता। इनकी बॉडी या तो उच्च तापी होती है या नियत तापी होती है, इसका जो ताप है वो फिक्स होता है। तो ये कंडीशन होती है स्तनधारी कैटेगरीज की। तो इसमें जैसे कि जो जंगली जीव हैं या सारे जो जानवर हैं वो भी आ जाते हैं, उसके अलावा इसमें जो है मानव भी आ जाता है, तो ये सभी इसी प्रकार के होते हैं। और जिनमें और भी कंडीशंस होती हैं, तो और क्या कंडीशंस होती हैं, तो इनकी त्वचा जो होती है या स्तनधारी की जो त्वचा होती है वो बाल या रोम से ढकी रहती है। जो त्वचा होती है उसके ऊपर रोम होते हैं या बाल होते हैं, जैसे कि इस जानवर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसकी बॉडी अगर देखी जाएगी तो ये जो है इसकी त्वचा पूरी
किससे ढकी हुई है, बालों से ढकी हुई। तो स्तनधारियों की ये भी एक कंडीशन होती है कि बॉडी के ऊपर बाल या रोम जो है पाए जाते हैं। दूसरा, इनको पहचानने की एक और कंडीशन होती है या स्तनधारियों की एक और कंडीशन होती है कि इनमें बाहें कर्ण यानी कि कान का जो बाहे वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग होता है जिसे पिन्ना कहा जाता है, ये उपस्थित होता है। अब ये उपस्थित किस प्रकार से, जैसे कि ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है इसके कान देखिए इस प्रकार से, तो ये बाहर जो है इस प्रकार से होते हैं कान, जैसे कि आप इंसानों के कान देखते हैं तो इस प्रकार का जो पार्ट जो है बाहर की तरफ होता है उसे पिन्ना कहा जाता है, जहां पर आप चश्मा पहनते हैं या मास्क लगाते हैं बाहर वाला जो पार्ट होता है इसे पिन्ना कहा जाता है। तो ये जो पिन्ना होती है ये सभी स्तनधारियों की पहचान होती है। उसके अलावा देखा जाए तो इनकी जो त्वचा होती है उसमें संवेद और तेल ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो त्वचा होती है स्तनधारियों की उसमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं और तेल ग्रंथियों के कारण जो है बॉडी की ऑयली होती है। तो ये सारी कंडीशंस किसकी होती हैं, स्तनधारियों की होती हैं। उसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, जो स्तनधारियों में मादा होती है, तो दो प्रकार के जीव जो है स्तनधारी में होते हैं, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। तो जो मादा होती है उसमें स्तन या दुग्ध ग्रंथियां जो है होती हैं, यानी कि मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसमें पाई जाती हैं जिन्हें दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं, और ये ग्रंथियां रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो त्वचा है उससे बनी हुई ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा और भी अगर कंडीशंस देखें, जैसे कि इस प्रकार से जो मादाएं होती हैं सभी स्तनधारी उसमें जो है दुग्ध ग्रंथियां होती हैं और ये अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं या इनके जो बच्चे होते हैं इनके जो नवजात होते हैं उनको दूध पिलाते हैं सभी स्तनधारी, ये भी स्तनधारी की एक कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा इनमें पाद होते हैं चलने के लिए, यानी कि पैर होते हैं जो चल उनकी वजह से जो स्तनधारी वो चल सकते हैं, जैसे कि ये हाथी चल रहा है आपकी स्क्रीन पर आपके मोबाइल में, तो ये किस वजह से चल रहा है कि इसके पैर हैं, तो पैर से ये चलते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं पैरों की वजह से, या पैर से खोदने का काम भी करते हैं, पेड़ों पर चढ़ने का काम भी करते हैं, डाल पकड़ने या उड़ने के लिए जो है ये अनुकूलित होते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, ये सारी कंडीशंस तो आप बता रहे हैं, चलना, दौड़ना, तैरना, खोदना ठीक है, पेड़ पे चढ़ना, डाल पकड़ना, उड़ने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित है, कौन सा इंसान या कौन सा जानवर उड़ता है। तो ऐसा भी एक जीव है जो स्तनधारी कैटेगरी में आता है और वो उड़ता है, जैसे कि देखने वाले हैं उस जीव के बारे में हम, तो कौन सा है वो जो जीव है वो है चमगादड़। जो है वो ऐसा जीव है जो उड़ सकता है और स्तनधारी की कैटेगरीज में आता है। अब तैरते तो जैसे कि इंसान भी तैर सकता है, परंतु जो वेल है या ब्लू वेल है वो भी एक प्रकार की स्तनधारी है और उसमें वो सारी कंडीशंस पाई जाती हैं जो स्तनधारी में पाई जाती है। तो अभी तक जो है हमने शुरुआत की है स्तनधारी से, तो आप कमेंट करके बताएं कि स्तनधारी में कौन कौन सी कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं। तो जल्दी से सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन, सभी बंधु जो है कमेंट करें और वीडियो को साथ साथ में लाइक करें, और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब देखने वाले हैं हम स्तनधारी की कंडीशंस। तो स्तनधारी जो है इसमें जो दांत है वो जबड़ों के गड्ढों में स्थित होते हैं। अब ये भी एक कंडीशन होती है कि दांत जो है जबड़ों में स्थित होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो दांत है वो इस प्रकार से, ये वाला जो जबड़ा होता है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसके अंदर जो है सभी स्तनधारियों में दांत स्थित होते हैं या उनमें अवस्थित होते हैं। और सामान्यतः दांत जो है दो अनुक्रम के होते हैं, यानी कि दो बार दांत आते हैं, द्विबार दंती जो है स्तनधारियों को कहा जाता है। एक होते हैं दूध के दांत, जो जब छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात रहते हैं, तो उनमें दूध के दांत होते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत परमानेंट टीथ। जैसे कि आप पे जब बच्चे थे तो एक बार आपके दांत आए थे, टूट गए थे, फिर से आपके परमानेंट दांत जो है आए हैं। इस प्रकार से हम इंसान भी स्तनधारी कैटेगरीज में आते हैं, तो एक बार दांत जब टूट जाते हैं तो जो शुरू के जैसे कि 2 से 7 वर्ष के बीच में जो दांत आते हैं टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं दूध के दांत।
उन्हें क्या कहते हैं हम, दूध के दांत, और जब वो टूट जाते हैं उसके बाद जो नए दांत आते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। तो दो प्रकार के दांत आते हैं। इस प्रकार स्तनधारी जंतु जो होते हैं द्विबार दंती होते हैं, या दो बार इनके दांत आते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो स्तनधारियों के दांत जो है चार प्रकार के होते हैं। अब चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं कृतंक, इनसीजर्स जिनको कहा जाता है। ये काटने का काम करते हैं किस प्रकार से, जैसे कि ये सामने वाले जो चार दांत होते हैं आपके, मैं दिखाता हूं आपको कि ये जो चार दांत है जो मैंने रेड मार्क किया है आपकी स्क्रीन पर, एक दो तीन और चार, ये चारों जो दांत हैं, चार ऊपर होते हैं चार नीचे होते हैं, इनको इनसीजर्स कहा जाता है, इनको कृतंक कहा जाता है, और भोजन को काटने के लिए ये होते हैं। सभी स्तनधारियों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें गाय, तो गाय का ऊपरी जबड़ा जो है वहां पर इस प्रकार के दांत नहीं होते हैं, भैंस तो उसमें भी नहीं होते, परंतु इंसानों में होते हैं, परंतु सभी जीवों में इनसीजर नामक दांत जो है होते हैं। तो ये इनसीजर जो है इस प्रकार के टीथ होते हैं, सामने की तरफ जो किसी भी वस्तु को, भोजन को काटने का काम करते हैं। उसके अलावा दूसरे जो दांत होते हैं उन्हें भेदक या रदनक भी हम कहते हैं, केनियन या भेदक उनको कहते हैं, जो मांस काटने के लिए या कड़क वस्तुओं को काटने का काम करते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे इन चार दांत के बाद एक तीखा टीथ होता है यहाँ पर साइड में, दोनों तरफ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से ये जो टीथ होते हैं थोड़े तीखे होते हैं, जो मांस को काटने के लिए, कड़क वस्तुओं को काटने के लिए और इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, तो इनको जो है रदनक या केनियन या भेदक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो दांत होते हैं, तो इनकी संख्या जो इंसानों में चार होती है, इंसानों में कितनी संख्या होती है इनकी, चार होती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अग्रचर्वर्णक या प्रीमोलर नाम के दांत होते हैं, जो भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और फिर चर्वणक या मोलर दांत होते हैं, जो चबाने और पीसने का काम करते हैं, जिन्हें हम दाढ़ के नाम से भी कभी कभी पुकारते हैं। तो इस प्रकार स्तनधारी जंतु जो है विषम दंती, यानी कि कई प्रकार के इनमें क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो दो दांत होते हैं शुरुआत के, इसके बाद इसको हम प्रीमोलर्स कहते हैं, और इसके बाद के जो तीन तीन दांतों का जो ग्रुप होता है चारों तरफ, जैसे कि इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो इनको जो है हम मोलर कहते हैं। तो इस प्रकार से इंसान जो है या स्तनधारी जो है उसमें चार टाइप के दांत होते हैं, इसलिए विषम दंती भी होते हैं और द्विबार दंती भी होते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, द्विबार द्विबार दंती। तो ये दोनों किसकी कंडीशन है, स्तनधारियों की कंडीशंस होती है। उसके अलावा अगर हम स्तनधारी के हार्ट की बात करें या हृदय की बात करें, तो इनका जो हृदय होता है स्तनधारियों का, उसमें चार कोष्ठक होते हैं या चार चेंबर होते हैं, किसमें, स्तनधारियों के हृदय में, जिसमें एक शिरा विवर नहीं पाया जाता, केवल बायां महाधमनी चाप पाया जाता है, तथा लाल रुधिर कण गोलाकार केंद्र खीन होता है। इसमें आरबीसी जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि इसमें केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो ये भी एक कंडीशंस होती है कि स्तनधारियों की, केवल जैसे कि ऊंट है और जो लामा है, ये दोनों एक ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक जो है पाया जाता है। उसके अलावा हमारा जो हृदय होता है स्तनधारियों का, इसमें चार कोष्ठक होते हैं, फोर चेंबर जो है हार्ट होता है, और शिरा विवर या सिन्यूस वेनोसस जो है वो हमारे शरीर में या स्तनधारियों के शरीर में नहीं पाया जाता। इस प्रकार से सभी स्तनधारियों का जो है हृदय होता है और उसमें ये चार चेंबर्ड होते हैं, जैसे एक चेंबर्ड इधर का, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक चेंबर्ड इधर का, इसमें दो पार्ट होते हैं। तो टोटल जो है चार चेंबर्ड हृदय जो है स्तनधारियों में होता है। और स्तनधारी वर्ग जो है उसको भी तीन उप वर्ग में बांटा गया है, जिन्हें प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया आदि नामों से जानते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इनके जो है नाम होते हैं। जो प्रोटीथीरिया है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के जो जो या तो पानी में तैरते हैं या स्थल पर रहते हैं और इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, तो ये प्रोटीथीरिया। मेटाथीरिया में जो जानवर होते हैं इस प्रकार के, जो दो पैरों पर चल सकते हैं उन्हें मेटाथीरिया, और जो चारों पैरों पर चलते हैं उनको यूथीरिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो है कंडीशंस होती है इसकी।
उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो स्तनधारी है उसमें एक और कंडीशन होती है जिससे भी हम स्तनधारी को वर्गीकृत कर सकते हैं कि स्तनधारी जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इनमें जो है मूत्र मार्ग और मूत्राशय भी पाया जाता है, तो ये भी एक कंडीशन जो है किसकी होती है? स्तनधारी की होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो स्तनधारी है वो हम देखते हैं कि वेल भी एक स्तनधारी है। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो वेल जो है पहले एक जंगली जीव हुआ करता था और इस प्रकार से वेल जो है वो मछली बन गया। तो ये अभी भी किस कंडीशंस में है या इसका आंतरिक शरीर जो है वो क्या है? स्तनधारी का शरीर है, बाह्य शरीर से ये जो है मछली बन गया। तो ये इसका रूप का रूपांतरण किस प्रकार से हुआ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहले एक जीव जो है जंगल में दौड़ रहा था, धीरे धीरे पानी में चला गया और बेल के रूप में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। दो प्रकार की जिसे हम मछली समझते हैं, एक तो ब्लू वेल जो सबसे बड़ा स्तनधारी है और एक जिसे हम कहते हैं डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन है। तो ये डॉल्फिन और वेल जो है दोनों मछलियां नहीं है, दोनों क्या है? स्तनधारी है। दोनों क्या है? स्तनधारी। ये आपको याद रखना है, स्तनधारी की कैटेगरीज में आते हैं। और कौन आते हैं स्तनधारी की कैटेगरीज में? तो और जो आते हैं जैसे कि सभी जो है जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं या सभी जो जानवर होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा मानव भी इसी कैटेगरी में आता है। और एक है चमगादड़, तो चमगादड़ भी जो है इसी कैटेगरी में आता है, जो एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है जो उड़ सकता है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है स्तनधारियों के। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वेल जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, डॉल्फिन जो है इस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? स्तनधारी है। और चमगादड़, ये मरा हुआ चमगादड़ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और अब आप कमेंट्स अभी करें कि कौन कौन से जीव जो है स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं। तो जल्दी करें, कीबोर्ड पर टाइप करें कि कौन कौन से जीव आपको स्तनधारी कैटेगरी में दिखाई देते हैं। अब हम अगले वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे हम सरीसर्प वर्ग कहते हैं या जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो सरीसर्प या रेप्टाइल्स क्या होते हैं? इनकी कंडीशन जैसे स्तनधारियों की कंडीशन देखी, उससे ही इनकी भी कंडीशन हम देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। उम्मीद करता हूं अभी कि आपने सरीसर्प जो स्तनधारी वर्ग या मैमल्स वर्ग हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। और सभी दोस्त जो है जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर सारे वीडियो जो है आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे और अलग अलग जगह आपको मिलेंगे, इसलिए आप जल्दी कीजिए प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा का ऐप जो है उसको जल्दी से डाउनलोड कीजिए। वहां पर सीरीज से सीरियल वाइज जो है सारे वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यही नहीं, जो पीएससी अड्डा ऐप है वहां पर आपको जो है वीडियो कोर्सेज के साथ साथ फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी करें, प्ले स्टोर पर जाएं और पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करें। चलिए पढ़ते हैं सरीसर्प वर्ग के बारे में। सरीसर्प वर्ग जो होते हैं दोस्तों, ये साधारण अगर देखा जाए तो स्थलवासी होते हैं, यानी कहां रहते हैं? स्थल पर रहते हैं, लेकिन कुछ जो है जलवासी भी होते हैं, जल पर भी रहते हैं और ये थल पर रेंगकर चलते हैं। थल होता है यानी कि स्थल होता है, इस पर रेंगते हैं, इसलिए इस वर्ग को रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स कहा जाता है, है ना? तो ये थल पर रेंगते हैं, रेंगकर चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स कहा जाता है। और ये अनियत तापी होते हैं, या तो गर्म खून के होते हैं या ठंडे खून के होते हैं। वातावरण के अनुसार इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका ताप जो है नियत नहीं होता है, ये एक कंडीशन होती है सरीसर्प की। तो जैसे कि एक जानवर दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम गो के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं जो रेंगकर चलते हैं या पैरों से चलते हैं और स्थल पर चलते हैं, और इसलिए इनको जो है रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव और भी इनकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इनका जो हार्ट होता है उसमें दो आलिंद और आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है, जैसे कि एक ही निलय इनमें होता है जो आंशिक रूप से क्या होता है? विभाजित। तो अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी जो है वो थ्री चैम्बर्ड होती है, तीन कोष्ठक की इनकी बॉडी होती है।
इनमें लाल रक्त कणिकाएं जो है यानी कि आरबीसी पाई जाती है, आहार नाल इनमें पाई जाती है, जनन और मूत्र वाहिनियां कोलेका इनमें खुलती है, यानी कि इनकी जो जनन और मूत्र वाहिनी है वो क्लोएका में खुलती है, इसलिए पृथक पृथक गुदा तथा जनन छिद्र जो है इनमें नहीं होता, यानी कि जनन छिद्र और जो गुदा छिद्र दोनों जो है एक ही जगह पर इनके पाए जाते हैं, दो छिद्र इनमें नहीं होते, ये भी इनके कंडीशंस होती है सरीसृप की। उसके बाद देखा जाए तो इनमें अंतः निषेचन होता है और अंडे बड़े होते हैं इनके, और ये जो है अंडे देते हैं जो चुनेदार कवच द्वारा आच्छादित रहते हैं, इसमें कोई लावा अवस्था नहीं पाई जाती, यानी कि चूने में कोई लावा नहीं होता है। उसके अलावा देखा जाए तो इनका शरीर जो है लंबा होता है और बेलन के आकार का होता है, और एक और मुख्य कंडीशंस होती है कि इनके मुख के अंदर यानी कि इनका जो मुख होता है उनमें एक विष दंत जो है पाया जाता है। सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो जैसे कि मगरमच्छ, गढ़िया, उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो छिपकली होती है वो भी इसी में आती है, केचुआ भी इसी में आता है, सारे जो सांप हैं यानी कि सांप जो है जितने भी वो भी इसी वर्ग में आते हैं, बट जो ये आपको लास्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इसमें नहीं आता है, ये उभयचर कैटेगरीज का होता है। तो सारे सांप, छिपकली, जो केचुआ है, सॉरी कछुआ है और मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये सारे जो है इसी कैटेगरीज में आते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें, जैसे कच्छप, कछुआ, स्पेनोडल, रेलु छिपकली, यूरोमेस्टिक्स, गोह, कैलोटिस, नाग, करेत, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर आदि जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला वर्ग देख रहे हैं, पक्षी वर्ग एल्स वर्ग के बारे में देखते हैं कि एल्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, किन किन जीवों को जो है पक्षी वर्ग में रखा गया है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये नियत तापी होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका ताप जो है गर्म होता है और ये हवा में भी उड़ते हैं तथा जमीन पर भी तेजी से चलते भी हैं, और इनका शरीर तीन भागों में विभाजित रहता है, जैसे कि एक सर होता है, एक गर्दन होती है और एक धड़ होता है, तो इस प्रकार से तीन भागों में इनका सर डिवाइड रहता है और इनका शरीर जो है परों से यानी कि पंख होते हैं उससे ढका रहता है, और इनके धड़ से एक छोटी सी पूंछ लगी होती है, इसके अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और जबड़े जो है उसमें दांत नहीं होते हैं, जबड़े जो है उसमें दांत नहीं होते हैं और ये श्रृंगी होते हैं यानी कि हॉर्नी ये होते हैं, यानी कि एक श्रृंग के रूप में एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो पक्षी वर्ग है। तो पक्षी वर्ग में सभी पक्षी जो है आ जाते हैं, तो कौन कौन से पक्षी जो है वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनके द्विपाद होते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशंस होती है पक्षी वर्ग की कि इनमें स्केलेटल पाया जाता है, यानी कि इनमें कंकाल पाया जाता है, परंतु इनका जो कंकाल होता है उसमें वायु कुपिकाएं होती हैं जिसकी वजह से उनमें हवा भरी होती है और ये आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। उसमें इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि इनमें जो उंगलियां होती हैं यानी कि इनके जो पैर हैं उसकी उंगलियां होती हैं, उसमें नख होते हैं और नख युक्त होती हैं जो चुभती हैं। इसके अलावा इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, जबकि कुछ पक्षियों में वायु कोश जो है वो पाए जाते हैं जिनके द्वारा भी क्या होता है, श्वसन होता है, फेफड़े नहीं होते हैं। उसके अलावा इनके हृदय जो है उसमें चार वेश्म या चार कोष्टक होते हैं जिसमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं। तो ये जो है ज्यादातर कंडीशंस किसकी जैसी होती है इनमें, तो स्तनधारियों जैसी कंडीशन होती है। इनके हृदय में केवल दाहिना महाधमनी चाप ही पाया जाता है और इनका कंकाल जो है स्पंजी होता है, सरंध्र होता है और हल्का होता है, जिसकी वजह से आसानी से उड़ सकते हैं। और अगर खोपड़ी देखा जाए तो खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे से सायुज यानी कि फस्ट एक दूसरे में फंसी होती हैं तथा संख्या में भी बहुत कम होती है, इसलिए इनका सर जो है बहुत छोटा होता है, जैसे कि सारे पक्षी आपने देखे हैं उनके सर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसका ये रीजन होता है कि जो सर होता है उसमें हड्डियों की संख्या कम होती है। तो जो पक्षी वर्ग है उसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी जनन छिद्र जो है गुदा से पृथक नहीं होता, दोनों एक ही छिद्र होते हैं और साधारणतः नर जो है उसमें मैथुन अंग जो है नहीं पाया जाता, या जो सेक्सुअल ऑर्गन है जो पक्षी वर्ग है उसमें नहीं पाया जाता, और मादा में बाई अंडवाहिना वाहिनी लेफ्ट ओविडक्ट जो है ज्यादा विकसित होती है और ये अंडज होते हैं यानी कि अंडे देते हैं, अंडों का निर्माण करते हैं,
डायरेक्टली जो है बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये सारे जीव जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं सभी पक्षी जैसे कबूतर, गोरैया, मैना, मोर, तोता, उसके अलावा ऑस्ट्रिच। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रिच है जिसे हम शुतुरमुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा पक्षी है जो तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी भी यही है, सबसे तेज दौड़ने वाला और बड़ा पक्षी। और ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकने वाला पक्षी भी है। एमू, कीवी, तो एमू और कीवी जो है, सॉरी कीवी एक ऐसा पक्षी है, ये भी जो है उड़ नहीं सकता, तो ये भी उड़ नहीं सकता। ऑर्कियोनिस, ऑर्कियोप्टेरिस आदि। उसके अलावा एक ऐसा पक्षी है जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं, हमिंग बर्ड, और ये जो है सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड क्या है, सबसे छोटा पक्षी, और ये एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी भी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, और इसको प्राकृतिक हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है, नेचुरल हेलीकॉप्टर के नाम से भी हमिंग बर्ड को जाना जाता है, हेलीकॉप्टर है ना। तो ये सारी चीजें भी आप नोट कर लेना जो इसमें मैंने आपको बताई हैं। तो ये सारी चीजें फिर से आप जो है कमेंट करेंगे मुझे कि हमिंग बर्ड के बारे में क्या क्या कंडीशंस मैंने बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं उभयचर के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस की क्या कंडीशंस है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एम्फीबियंस होते क्या है और इनकी जो है क्या क्या कंडीशंस होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं उभयचर किसे कहेंगे, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, या जल में भी रहते हैं स्थल पर भी रहते हैं, इसी कारण से इनको उभयचर कहते हैं। इसलिए इनका नाम जो है एम्फीबिया या उभयचर दिया गया, यानी कि एम्फी बहुत, यानी कि इस पे रहते हैं जल और थल, इस वजह से इसको हम उभयचर कहते हैं। और ये अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी का अर्थ होता है कि जिनके शरीर जो है वो कोल्ड ब्लड भी होता है और हॉट ब्लड भी होता है, यानी कि जो ताप वातावरण के अनुसार अपने शरीर का ताप जो है बदल लेते हैं, वो होते हैं अनियत तापी। और इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां जो है पाई जाती हैं, और इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख जो है नहीं होते हैं। इनका जो बॉडी होती है उसके ऊपर ना तो कोई बाल होते हैं, ना कोई पंख होते हैं, ना कोई शल्क यानी कि स्केल्स भी इनकी बॉडी पर नहीं पाई जाती, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण काफी चिकनी होती है, यानी कि इनकी जो त्वचा है उस पर काफी जो है ग्रंथियां पाई जाती है। इस वजह से ये इनकी जो बॉडी होती है वो चिकनी दिखाई देती है। किस प्रकार से दिखाई देती है, चिकनी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको मेंढक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो ये उभयचर कैटेगरीज में आता है। तो ये जो मेंढक है इसमें इसकी त्वचा जो है काफी चिकनी दिखाई देती है। इसका रीजन क्या होता है कि इसकी बॉडी पर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसके अलावा इसकी बॉडी पर कोई पंख नहीं होता या कोई बाल नहीं होता, और इनकी त्वचा बराबर कोमल और नम होने से इनमें त्वची श्वसन होता है, यानी कि सांस कैसे लेते हैं, तो सांस लेने के लिए ये अपनी त्वचा का प्रयोग करते हैं, जो इनके जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। और इनमें दो जोड़े पाद होते हैं, यानी कि चार पैर होते हैं जिसमें साधारण 5 उंगलियां होती है। एक पैर में कितनी उंगलियां होती है, 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियां होती हैं। और इनके नासा छिद्र मुख गुहा में ही खुलते हैं, जैसे नाक के जो छिद्र होते हैं वो मुख गुहा के अंतर्गत ही खुलते हैं। इसके अलावा इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है, यानी कि इनका जो कंकाल होता है, इनका जो स्केलेटल होता है, वो जो बोन होती है, बोनी इनका जो स्केलेटल होता है होता है। और इनके हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो उभयचर की एक कंडीशन ये होती है कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है पाया जाता है, 3 कोष्ठक इनके हृदय में होते हैं, और इनके लाल रुधिर कण में जो है केंद्रक होता है। ये भी एक अच्छी कंडीशंस होती है उभयचर की। इनकी जो आरबीसी है होती है, इनकी जो आरबीसी है उसमें जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिससे कि आरबीसी इनकी क्या कर सकती है, सेल डिविजन कर सकती है, कोशिका विभाजन में भाग ले सकती है। तो ये भी एक इनकी कंडीशंस होती है। उभयचर में देखा जाए तो इनमें जनन पदार्थ तथा मल,
क्रोएका से ही बाहर निकलते हैं, यानी कि इनमें भी एक ही छिद्र होता है जिसमें बाह्य निषेचन होता है और इसमें अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है जिसे टेडपोल लार्वा कहते हैं और इसमें ग्रीष्म और शीत निष्क्रियता होती है, यानी कि सर्दी और गर्मी के कारण ये जो लार्वा होता है खत्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कौन कौन से जीव इसमें आते हैं उभयचर में, प्रोटियस, नेक्ट्यूरस, साइरेन, सेलामेंडर, मेंढक, दादुर या टोंड, धात्री, दादुर आदि जो है इसी कैटेगरीज में आते हैं। तो आपको जो नाम याद रखने हैं वो मेंढक और टोंड का होता है, जो उभयचर के सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं। अब हम देखने वाले हैं मत्स्य वर्ग के बारे में, यानी कि जो मछलियों का वर्ग है उसे हम मत्स्य वर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसके अंतर्गत मछलियां आ जाती हैं, कुछ मछलियों को छोड़कर, जैसे कि ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, डॉगफिश, सॉरी स्टारफिश, इनको छोड़कर बाकी जो मछलियां होती हैं वो इसी वर्ग में आती हैं, जो लवणी और मृदु जल में पाई जाती है, यानी कि एक तो स्लाइन वाटर में और एक फ्रेश वाटर में, दोनों में पाई जाती हैं। और ये जो सभी जीव होते हैं अनियत तापी जंतु होते हैं, इनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड दोनों प्रकार से होता है। तो ये पानी में रहती है इसलिए हमेशा इनका जो शरीर है वो अनियत तापी या कोल्ड ही रहता है। इनका शरीर जो है धारा रेखित और बाह्य कंकाल जो है शल्कों के रूप में होता है, बाह्य जो स्केल्टल होता है वो शल्क के रूप में होता है। अगर हम मत्स्य वर्ग की बात करें तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है बोनी फिश जिनमें बोन पाई जाती है और एक होती है कार्टिलेजियस फिश। कार्टिलेजियस फिश जो होती है तो जिनमें हड्डी पाई जाती है उन्हें बोनी फिश कहते हैं, जिनमें उपास्थियां पाई जाती हैं उन्हें कार्टिलेजिस या उपास्थिमय मछलियां कहते हैं। तो दो प्रकार से इनको भी डिवाइड किया जाता है। तो सभी मछलियां जो इसी वर्ग में आती हैं और इनमें जो श्वसन होता है, यानी कि ये सांस कैसे लेती हैं, तो गिल्स के द्वारा, यानी कि जो गलफड़े होते हैं उनके द्वारा जो है सांस लेती हैं। और इनका हृदय द्विवेश्मी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, यानी कि द्विवेश्मी, दो चैम्बर्ड इनके इसमें पाए जाते हैं, टू चैम्बर्ड जो है इनका हार्ट होता है। और ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट हैं, यानी कि ये जल में भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं मछलियां जो होती हैं, और जिससे नई मछलियों का जन्म होता है या नई मछलियां बनती है। उदाहरण के लिए शार्क, तो शार्क जो है कार्टिलेजियस फिश है। टारपीडो एक ऐसी मछली है जो क्या करती है, तो विद्युत धारा या तरंगे जो है उत्पन्न करती है। रोहू, कतला, भेटकी, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, मांगूर, गरई, सिंगी, प्रोटेस्टरस आदि जो है मछलियां होती हैं या मत्स्य के अंदर होती हैं, मत्स्य वर्ग के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक मछली होती है जिसे गेबुसिया कहते हैं, गेबुसिया ये भी एक मछली होती है। तो जो गेबुसिया मछली होती है इसको तालाब को साफ करने के लिए तालाबों में डाला जाता है। तो जो गेबुसिया होती है वो मच्छर के लार्वा को खत्म कर देती है, मच्छर का जो लार्वा होता है उसको खा जाती है, जिसकी वजह से तालाब या जो झील वगैरह है वो साफ हो जाती है। तो हिप्पोकैम्पस एक समुद्री मेन है और इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, यानी कि हिप्पोकैम्पस एक ऐसी मछली है जिसको समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि दिखने में एक घोड़े जैसा दिखाई देता है इस प्रकार से, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक समुद्री घोड़ा दिखाई देता है। तो ये भी एक मछली है जिसको हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, समुद्री घोड़े के नाम से जानते हैं। रोहू मछली के बारे में देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता है, और मांगूर को कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है, जो मांगूर मछली है उसको कैटफिश के नाम से भी जानते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्लारियस बेट्रेचस है, किसका, मांगूर का। और शार्क या स्कोलियोडॉन जो है उसको डॉगफिश तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्कोलियोडॉन या शार्क है उसको ही डॉगफिश कहा जाता है, और जो टारपीडो है उसको इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि वो जो है तरंगों को उत्सर्जित करती है इसलिए इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी इसको जाना जाता है। टारपीडो होती है इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, जो एक इलेक्ट्रिक तरंगे जो है उत्पन्न करती है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों अकशेरुकी जीवों के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कशेरुकी जीव, सबसे पहले हमने स्तनधारी वर्ग के बारे में पढ़ा, स्तनधारी के बाद हमने पढ़ा सरीसर्प के बारे में, सरीसर्प के बारे में हमने जो है पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ा, पक्षी वर्ग के बाद हमने उभयचर के बारे में पढ़ा, और उभयचर के बाद हमने जो है
मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि स्तनधारी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सरीसर्प के एग्जांपल कौन से हैं, पक्षी के एग्जांपल कौन से हैं, उभयचर के एग्जांपल कौन से हैं और मत्स्य के एग्जांपल कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले संघ पारिफेरा के बारे में, पोरिफेरा के बारे में। तो ये जो है अकशेरुकी जीव होते हैं जिनकी बॉडी में कम से कम मूवमेंट होता है और इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। दूसरा इसकी एक कंडीशन होती है कि इनमें हर्ट तो पाया जाता है, हृदय तो पाया जाता है, परंतु बॉडी के निचले भाग में या निचला जो पार्ट होता है बॉडी का वहां पर पाया जाता है, बाकी जो जीव होते हैं उनमें ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो पोरिफेरा है एक वर्ग है, ये बहुकोशिकी जली जंतु होते हैं, यानी कि इनमें जो कोशिका होती है वो बहुत सारी होती है। बहुकोशिका अर्थ क्या है, बहुत सारी कोशिका। एक कोशिका का अर्थ होता है एक कोशिका ही होती है, बाकी बहुकोशिका अर्थ है बहुत सारी कोशिका। तो ये जली जीव होते हैं जो साधारण चट्टान या किसी ठोस पदार्थ के ऊपर रहते हैं और ज्यादातर समुद्र में इनको देखा जा सकता है, यानी कि आकृति अनियमित होती है, कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, जैसे कि बेलनाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं और शाखी भी होते हैं। और इनके शरीर में कोशिका तो होती है परंतु टिश्यूज नहीं होते हैं, इनके शरीर में कोई भी टिश्यूज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इनके शरीर में से, ये जैसे एक चट्टान है इसके अंदर ये जो जीव है इसे संघ पोरिफेरा हम कहेंगे। तो इनमें कोशिकाएं तो होती हैं परंतु इस वर्ग का जो जीव है उसमें कोई भी टिश्यूज नहीं होते हैं। और इस संघ के जंतुओं की शरीर जो भित्ति होती है उसमें अनेक छिद्र जो है पाए जाते हैं जिन्हें ओष्टिया कहते हैं। तो इन जीवों को ऐसा ही हम देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और इनके शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका कोशिका भी नहीं होती है, जैसे कि ये संवेदनशील नहीं होते, जैसे कि आपकी बॉडी पर कोई आपको टच करता है तो ये संवेदनाएं आपके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, परंतु जो पोरिफेरा वर्ग है इनकी बॉडी में कोई भी संवेदी और तंत्रिका कोशिका नहीं होती। और इनके भोजन का जो पाचन होता है अंतर कोशिकीय होता है, यानी कि कोशिका के अंतर्गत ही इनके भोजन का पाचन होता है और कोई पाचन करने का सिस्टम इनकी बॉडी में नहीं होता है। उदाहरण के लिए साइकन, हाइलोमेना और उसके अलावा यूस्पंजिया, स्पंजिला, यूप्लेक्टला आदि जो है इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनको जो है नोट जरूर करें, साथ साथ में एक नोटबुक रखें और ये सारे जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इनको नोट जरूर करें। अब देखते हैं हम अगले वर्ग के बारे में, संघ प्लेटी हेलमिंथिस। ये जो वर्ग है दोस्तों इस संघ के अधिकांश जंतु जो है परजीव होते हैं, यानी कि दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं और कुछ प्रजातियां जो है स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती हैं, जैसे प्लेनेरिया। तो ये खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, बाकी जो परजीवी होते हैं दूसरे जीवों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। और ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में इनके कांटे होते हैं और शक्स यानी कि जो शकर्स कांटे जैसी संरचना होती है जिसके माध्यम से दूसरे जीव को पकड़ लेते हैं, वैसी संरचना इनकी बॉडी में जो है पाई जाती है। और इस प्रकार से प्लेटी हेलमिंथिस जो है दिखाई देते हैं जो दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, पेसियोला, टीनिया, सिस्टोसीमा आदि जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। संघ एनिलिडा की अगर बात करें तो इस संघ में आने वाले जो जंतु हैं उनका शरीर जो है खंडों में विभाजित होता है और लंबा होता है और क्रमिक आकार का होता है, क्रमिक आकार होता है और प्रत्येक खंड वलय जो होता है एक रिंग जैसा होता है, जिसके कारण इनको एनिलिडा रिंग या एनिलिडा इनको कहा जाता है। और अगर देखा जाए कि प्राणियों का जो विकास हुआ उसमें वास्तविक देह गुहा का उदय जो है सबसे पहले इन्हीं जंतुओं के कारण हुआ। जो देह गुहा यानी कि शरीर के अंदर जो जगह होती है उसको देह गुहा कहते हैं, तो उसका निर्माण इन्हीं जंतुओं में हुआ। और ये जंतु साधारण देखा जाए तो स्वतंत्र जीवी होते हैं, थ्री लाइन होते हैं, जैसे कि ये सारे जो जीव है इस प्रकार के, ये संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं जिसका शरीर बहुत सारे खंडों में विभक्त होता है। तो पॉलीगॉर्डियस, नेरिस, एफ्रोडाइट, केचुआ। केचुआ जो है एक ऐसा जीव है जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मिट्टी है उसको पलट देता है या उसकी उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी को खाता है और इसका जो वेस्टेज होता है उससे मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है। तो इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसके अलावा जोंक भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, संघ एनिलिडा के अंतर्गत।
उसके बाद अर्थोपोडा के अगर बारे में अगर हम देखें तो संघ अर्थोपोडा जो है इस ये जो है सबसे बड़ा वर्ग होता है, यानी कि जीवों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो अर्थोपोडा वर्ग होता है। और इस संघ के जो जंतु हैं जल थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सभी जीवों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परंतु अर्थोपोडा एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसकी खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। इनका शरीर जो है खंड युक्त होता है और त्रिस्तरीय होता है, यानी कि तीन जगह से बटा होता है। और इस प्रकार से जो जीव है, जैसे कि इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हम देख सकते हैं, जैसे कि बिच्छू होता है, मक्खी मच्छर जो होते हैं, सभी जो है इसी कैटेगरीज में आते हैं। उदाहरण के लिए ट्राई ऑर्थस लिम्युलस बिच्छू मकड़िया किल्ली पेक्नोगोनम निम्फोन झिंगा झिंगा जिसे हम मछली समझते हैं परंतु वो आर्थोपोडा का ही एक पार्ट होती है। उसके अलावा केकड़ा भी आर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, क्रेफिश तिलचट्टा मक्खी मच्छर मधुमक्खी रेशम का कीड़ा और कन खजूरा जो है ये सारे जो है आर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है, कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो संघ आर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। सन मोलस्का की अगर हम बात करें तो इसके अधिकांश सदस्य जो है समुद्री होते हैं, यानी कि जो स्लाइम वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है स्वच्छ जल और स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है खंडहीन होता है, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं होता है, और कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं जिसमें से अधिकांश मंद गति से चलते हैं, और इनका शरीर भी त्रिस्तरीय होता है। जैसे कि घोंगा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सीप में हम कह सकते हैं तो नियोपाइलिना काइटन पाइला हेलिक्स लाइमेक्स डोरिस डेंटेलियस सीप मोती शुक्ति सीपिया नोटिल्स ऑक्टोपस आदि जो है इस कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा इस कैटेगरीज में जो संघ मोलस्का है, इस कैटेगरीज में एक और जीव जो आ जाते हैं जिन्हें हम कोरल के नाम से जानते हैं, तो कोरल भी इसी कैटेगरीज में आते हैं, जो इस प्रकार के जो जीव होते हैं संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। संघ एकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो इस वर्ग के सभी जो जंतु हैं वो समुद्री होते हैं, और इनकी त्वचा के नीचे जो है चूनेदार प्लेट होती है तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं, और अंतःकंकाल का ये जो है निर्माण करते हैं, यानी कि इनमें इनर स्केलेटल सिस्टम जो है पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो स्टार फिश है जो इस प्रकार से दिखाई देती है, ये फिश नहीं होती, एकाइनोडर्मेटा का एक पार्ट होता है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिश नहीं है, तो स्टार फिश कोई फिश नहीं होती है, वो एकाइनोडर्मेटा का एक पार्ट होता है, जैसे तारा मछली या स्टार फिश कहते हैं। ब्रिटल स्टार भी इसी का एक एग्जाम्पल है। समुद्री अर्चिन समुद्री खीरा कुकुरमेरिया थायोन एंटीडोन ये सारे जो है किसके पार्ट हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के पार्ट हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में जो सारे टॉपिक्स के बारे में हमने देखा, यानी कि जंतु जगत का जो वर्गीकरण देखा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी करें, पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर मिलेगी आपको एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड सारी जो अध्ययन सामग्री है बिल्कुल मुफ्त, यानी कि फ्री में सारी चीजें मिलने वाली है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और पीएस चट्टा का ऐप डाउनलोड करना है। चलिए आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।